वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलो ब्रेक पे जाने के पहले वी अंडरस्टूड कोवरायंस रिस्क रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो एट पोर्टफोलियो लेवल चीजें समझने की कोशिश की थी अपन लोग ने, ठीक है। सो अब अपन लोग यहां पे खड़े हैं जहां पे अपने को पता है कि कोवरायंस अपने को बताता है जॉइंट रिस्क और व्हाट वी कैन से द डायरेक्शन, करेक्ट। सो कोवरायंस ने मुझे बताया, कोवरायंस ने मुझे बताया कि जॉइंट रिस्क क्या है, जॉइंट रिस्क क्या है। कोवरायंस ने मुझे बताया कि डायरेक्शन क्या है, कि डायरेक्शन क्या है। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताएगा एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन क्या है। देखो यहां पे कोवरायंस कैन बी, कोवरायंस कैन बी एनीथिंग बिटवीन इंफिनिटी टू इंफिनिटी। आई लव यू टू इंफिनिटी, है ना। कैन बी बिटवीन इंफिनिटी टू इंफिनिटी, कुछ भी हो सकता है वो। कोवरायंस कैन बी बिटवीन इंफिनिटी टू इंफिनिटी, कुछ भी। बट अब जो अपना आ रहा है वो इसको और स्ट्रीमलाइन करता है, एंड दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बट कोरिलेशन कोएफिशिएंट शोज द एग्जैक्ट एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन, शोज द एग्जैक्ट एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन। समझे। सो कोवरायंस समझ में आ गया। अब किसके ऊपर जाने वाले अपन लोग, कोरिलेशन कोएफिशिएंट के ऊपर, विच शोज द एग्जैक्ट एक्सटेंट। एंड बहुत सिंपल है वो, ठीक है। लॉजिकली मैं जब तुम लोगों को बताऊंगा तुम लोगों को समझ जाएगा, अच्छा आफा वैसा है। सो इट विल बी वेरी मच इजिली मैनेजेबल। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दू, या चलो फॉर्मूला लिखवाऊं, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिप्रेजेंटेड बाय आर, ध्यान रखना रिप्रेजेंटेड बाय आर, अभी तो इतने सम करेंगे कि ध्यान हो ही जाएगा। रिप्रेजेंटेड एज आर द फॉर्मूला इज कोरिलेट कोवरायंस, ए बी आता ही है अपने को कैलकुलेट करना, अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ए, आता ही है अपने को स्टैंडर्ड डिविएशन बी। तो कुछ नया नहीं है इसमें, खाली एक काइंड ऑफ कोवरायंस का ही एक पार्ट है जो एग्जैक्ट एक्सटेंट बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो से फॉर एग्जाम्पल मेरा कोवरायंस ए बी है -30, जस्ट एक एग्जाम्पल, एंड ये है 5.5 कोवरायंस ए बी। समझो मेरा कोवरायंस ए बी है 5 इंटू कोवरायंस बी है मेरा से 6, तो कोवरायंस ए बी 30 है, ये 5 है ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा -1। आर ए बी कितना हो जाएगा -1, मतलब -1 मतलब कोई बता सकता है इसको मैं क्या बोल सकता हूं, कनेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज -1, इसका मतलब वो क्या हुआ, कोई मुझे बता सकता है क्या कनेक्शन हुआ इन दोनों का, कैसा किस्मत कनेक्शन हुआ इन दोनों का, -1 आर ए बी आया है, क्या किस्मत कनेक्शन होगा इन दोनों का, बताओ सोच समझ के एवरीबॉडी कम ऑन। वेरी गुड, एग्जैक्ट नेगेटिव रिलेशन कोरिलेशन कनेक्शन जो बोलना है बोल सकते हो। दिस रिप्रेजेंट्स नेगेटिव, ये तो इनफैक्ट हो गया एग्जैक्ट नेगेटिव कनेक्शन।
समझी यू? एनी बॉडी एनी डाउट्स? चलो इधर तक सब क्लियर है, आगे बढ़ेंगे पब्लिक। चलो आ जाओ अब थोड़ा क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर। बहुत फॉर्मूला फॉर्मूला खेल लिया, तुम लोग भी थक गए हो, तुम लोग भी बोल रहे हो सर अब सम्स करवाओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 एवरीबॉडी ऑफ योर बुक ओपन एवरीबॉडी। चलो फटफट फटफट वन और टू आई एम अज्यूमिंग हो गया होगा तुम्हारा। बता रहा हूं ध्यान रखना, वन और टू हो जाना चाहिए। अभी फिलहाल क्वेश्चन 10 पे आ जाओ प्लीज, आप लोग सब आ जाएंगे क्वेश्चन 10 के ऊपर। क्वेश्चन को रीड करेंगे साथ में। आइए, द कॉमन स्टॉक्स ऑफ बजाज एंड टीवीएस, द कॉमन स्टॉक्स ऑफ बजाज एंड टीवीएस द कॉमन स्टॉक्स ऑफ बजाज एंड टीवीएस have expected return of 15% and 20% respectively, while the standard deviation are 20% and 40%. The expected correlation coefficient between the two stocks is 0.36. What is the expected value of return and standard deviation of a portfolio consisting of 40% Bajaj, 60% TVS, 40% TVS, 60% Bajaj. Under both the cases, in what direction should the correlation coefficient move to bring the portfolio risk still lower? बाद में देखते हैं वो, तो पहले step by step जाएंगे। चल, start, आ जाओ। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहां पे जो दिया है उसको जितना हो सके अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस टेबल को लिख लेते हैं। आओ क्वेश्चन 10 वी विल स्टार्ट विद सल्यूचन। कौन है दो? बजाज एंड टीवीएस। बजाज एंड टीवीएस बोलो, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? स्टैंडर्ड डिविएशन दिया, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? सो वी विल राइट हियर एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्स बार, दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन 15, 20 एंड 20, 40। डन। फिर और क्या दिया? देखो द एक्सपेक्टेड correlation coefficient between the two stocks is 0.36. ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? correlation coefficient कैसे represent होता है? याद करो, it is R Bajaj TVS is equal to 0.36. R BT is equal to 0.36. डन। फिर व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न, वैल्यू ऑफ रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब रिस्क और पोर्टफोलियो, रिस्क और पोर्टफोलियो रिटर्न फाइंड करना है। हाँ, अब केस लिखो, केस वन, केस वन अपने को फाइंड करना है पोर्टफोलियो रिटर्न। बोलो कितना है पोर्टफोलियो रिटर्न, आई मीन वेट्स दिया हुआ है। हाँ देखो, वो लोग का वेट्स भी दिया हुआ है, एक का 40, 60, एक का
एक टाइम 60-40। तो अभी इधर अपन लोग लिख लेते हैं, पोर्टफोलियो रिटर्न व्हेन वेट्स बजाज का कितना, फोर्टी परसेंट बजाज, 60% टीवीएस, 40% बजाज, 60% टीवीएस। डन। अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आपको लगता है कि ये पार्ट मैं सॉल्व करने वाला हूं? ऑब्वियसली आप गलत है। चलो करो ट्राई। यस yes. 18% आया है पब्लिक का। चलो लेट्स सी। सो आई विल राइट हियर, पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू वेट ऑफ बी इनटू रिटर्न ऑफ बी प्लस वेट ऑफ टी इनटू रिटर्न ऑफ टी। वेट ऑफ बी दिया है 0.4, रिटर्न ऑफ बी एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 15%, 0.15, 0.6 इंटू 0.2, 0.15 इंटू 0.4 कितना होता है 0.06, प्लस 0.6 इंटू 0.2 ये होता है 0.12, इक्वल टू 0.18। पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू 18%। डन। डन। फिर आता है पोर्टफोलियो रिस्क। चलो पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला क्या है, अब सुनो। यहां से मैं और एक फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं, बट मैं बोला कि क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा कि तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे तो तुम लोग भी वो चीज डिराइव कर पाओगे। इफ दैट हैपेंस वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो ऑब्वियसली मैं तो रिस्पॉन्सिबली करवाऊंगा ही करवाऊंगा। वेट ऑफ ए इंटू वराइंस ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी, तो बी और टी लिख देते हैं यहां पे अपन लोग, बजाज और टीवीएस। तो बी टी प्लस, सर फॉर्मूला सम टू सम डिफरेंस लिखना है। हाँ स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो लिखेंगे तो ही आदत पड़ेगा ना, तो ही याद रहेगा, और एग्जाम में तो एक ही सम आने वाला है इस चैप्टर का, एक या दो सम, तो वो तो लिखना ही है वो टाइम पे। अभी मैं तो तुम लोग के लिए लिखवा रहा हूं, तुम लोग के प्रैक्टिस के लिए। प्लस टू कोवेरियंस बी टी इंटू वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ टी। अब सुनो इसमें अपने पास, अच्छा ये वाला कौन सा क्वेश्चन है, वेट 40% 60%। तो मेरे पास वेट अवेलेबल है, मेरे पास सिग्मा स्क्वायर अवेलेबल है, ना स्टैंडर्ड डिविएशन अवेलेबल है, उसको स्क्वायर कर लेंगे, वो अवेलेबल है। ये अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। क्या मेरे पास ये अवेलेबल है क्या? गाइस आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, टेल मी, क्या मेरे पास कोवेरियंस अवेलेबल है क्या? ऐसे नहीं सर, लास्ट में जो लिखे हैं हम वो ए माइनस बी एक्स माइनस वाई, नहीं समझे क्या बोल रहे थे।
नहीं समझा सर भाई, तो क्या बोल रहे राज? अच्छा, इन द फॉर्म ऑफ आर बी टी, वेरी गुड मेगा। नहीं, राज एक ही लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड, मेघा ने एक आंसर दे दिया है। अदर्स, आई वांट अदर्स टू थिंक एज वेल। क्या करूं, मेरे पास टू कोवरायंस बीटी नहीं दिया हुआ है, टू कोवरायंस मेरे पास नहीं है, क्या मैं कुछ कर सकता हूं क्या? क्या कुछ और इन्फो है जिससे ये काम हो जाएगा मेरा? बोलो बोलो, टेल टेल। को करेक्ट, को रिलेशन को एफिशिएंट से अपन लोग कुछ कर पाएंगे। देखो 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 देखो, सुनो सुनो, यहां पे मैं और एक फॉर्मूला तुम लोग के लिए इंट्रोड्यूस करना चाहता था, बट मैंने नहीं किया था जानबूझ के, मुझे डिराइव करवाना था। सो देखो, अपने को ये तो पता चल गया दैट आर ए बी को रिलेशन को एफिशिएंट इज इक्वल टू को वराइंस ए बी अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी। देयरफॉर गाइस, कोवेरिएंस ए बी इज इक्वल टू आर ए बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ए इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन बी। समझी? क्लियर एवरीवन? यस। तो इधर क्या आएगा, टू इंटू वॉट इज कोवरेंस बी टी, इट विल बी आर बी टी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन बी स्टैंडर्ड डिविएशन टी। अब देखो ये सॉल्व होता है कि नहीं, डेफिनेटली हो जाएगा। चलो वेट, वेट कितना है, वेट वेट ऑफ ए स्क्वायर, सो 0.4 स्क्वायर 0.6 स्क्वायर इनटू 20% 40% 0.2 स्क्वायर 0.4 स्क्वायर प्लस 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 2 इनटू आरबीटी। बोलो क्या आएगा, आर बिट्टी क्वेश्चन में दिया है, इट इज 0.36, इट इज 0.36 इनटू इनटू क्या आएगा, रिस्क। देखो ना, अपन लोग ने इधर फॉर्मूला निकाला ही है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टी, सो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टी इंटू वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ टी। इसको सॉल्व करो। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली कैलकुलेटर के ऊपर? सिखाऊ मैं? सो देखो, एम प्लस एम प्लस एम प्लस का गेम खेलना पड़ेगा। देखो इधर मैं सिखाता हूं आप लोगों को, डोंट वरी। ये देखना, 0.4 है 0.2 है, तो 0.4 इंटू 0.2 दोनों स्क्वायर में, तो इंटू इक्वल टू कर देने का। देखो सो 0.4 इंटू 0.2 स्क्वायर, तो ये कैसे करेंगे, इंटू इक्वल टू, तो आपको मिल जाएगा क्या, 0.4 इंटू 0.2 स्क्वायर। समझे क्या? बस ये जैसे ही किया, इसको करने का एम प्लस, बस फिर बाद में होते जाएगा। देखो 0.4 इंटू 0.2 इंटू इक्वल टू एम प्लस, 0.6 इंटू 0.4 इंटू इक्वल टू एम प्लस, फिर 2 इंटू 0.36 इंटू 0.2 इंटू 0.4 इंटू 0.4 एम प्लस। एमआरसी करके रूट करना है आपको,
and you will get your answer as 0.279, which can be written as 27.9% as well. Samjigadu. मेन क्या था? मेन मेन ये था, कोवेरियंस ए बी कैन बी रिटन एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट ए बी इनटू यस स्टैंडर्ड डिविएशन ए स्टैंडर्ड डिविएशन बी. क्लियर है गाइस? पहले मेरे को कंफर्म करो सब लोगों को समझ में आया. और इसी के साथ और एक फॉर्मूला भी बन जाता है क्या? रिस्क ऑफ ए बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डिविएशन ए वेट ऑफ बी स्टैंडर्ड डिविएशन बी प्लस टू कोवेरियंस ए बी इनटू ए सॉरी ए बी सिग्मा ए सिग्मा बी इनटू वेट ए वेट बी. अच्छा एवरीबॉडी सर फिर वो सिखाओ ना 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.2 इंटू 0.2 कैलकुलेटर में एक साथ कैसे करें. ये रहा देख पूरा कैलकुलेटर ट्रिक्स का है ना, मेरा एक यूट्यूब का वीडियो है वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा लेक्चर के बाद, वो देख लेना. बट फिर भी यहाँ पे भी दिखा देता हूं, 0.4 इंटू 0.2 इंटू इक्वल टू ये देख इधर किया हुआ है मैंने. एग्जैक्टली शिखर एग्जैक्टली. ये तो अभी क्या फर्स्ट टाइम आ रहा है ना तुम लोग को, फर्स्ट टाइम इतना सारा अचानक से नंबर्स 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 फॉर्मूला का भार, तो इट्स ओके. बट आई एम श्योर अभी भी अगर मैं बोलू ना अपने को फटाफट अचानक लिखना है, यू विल बी एबल टू इजिली मैनेज इट. चलो पार्ट बी विल बी योर होमवर्क, क्वेश्चन 10 पार्ट बी विल बी योर होमवर्क. ठीक है डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. Again, a very nice question, guys. आ जाओ क्वेश्चन 15 ओपन करो. चलो चलो आ जाओ. अ स्टॉक कॉस्टिंग रुपीज 120 पेज नो डिविडेंड्स
पॉसिबल प्राइस इज दैट द स्टॉक माइट फेल फॉर एट द एंड ऑफ द ईयर विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आर, अभी फिलहाल 120 है बट इट मे फॉल डाउन टू 115, चांसेस है 10%. इट मे गो टू 120, इट मे रिमेन एट 120 ओनली, चांसेस है 10%. इट मे गो फ्रॉम 120 टू 125, चांसेस है 20%. ऐसे अलग 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 चांस दिया है. क्या दिया है? चांस. अपने को कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. एक्सपेक्टेड रिटर्न. ठीक है. सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड, क्या बोला, रिटर्न. चलो स्टार्ट करते हैं. अब सुनो, यहां पे पहले अपने को देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने. द पॉसिबल प्राइसेस दैट द स्टॉक माइट सेल फॉर एट द एंड ऑफ द ईयर विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज. तो अलग 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 अपने को प्रोबेबिलिटीज दिया हुआ है कि भाई इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है. तो कितना देखो, अब यहां पे क्वेश्चन में है ना, वो लोग ने, ओ एक सेकंड ना, क्वेश्चन में है ना, वो लोग ने यहां पे प्राइस दिया है. अपना फॉर्मूला में रिटर्न्स है. अपना फॉर्मूला जो है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला देखो. अभी यहां पे एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, समेशन एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी करेंगे तो अपने को एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला आ जाएगा. बट गाइज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो एक्स होता क्या है. दैट एक्स यूज टू बी द रिटर्न. दिस एक्स यूज टू बी द रिटर्न्स. और यहां पे ये जो दिया है ये रिटर्न नहीं है, प्राइस है. ये रिटर्न नहीं है, प्राइस है, समझो. तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस प्राइस से रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो रिटर्न से एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा. समझे? दैट्स द मेन कैच ऑफ दिस क्वेश्चन. सो इन द गिवन क्वेश्चन प्राइस ऑफ ईच शेयर इज गिवन. वी विल फर्स्ट कैलक्यूलेट रिटर्न ऑफ रिटर्न एट ईच लेवल. एंड एक बार अपने का रिटर्न आ गया, देन एक्सपेक्टेड रिटर्न. एंड फ्रॉम इट वी विल कैलक्यूलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न. अच्छा चल आओ. सो अपन लोग लिखेंगे रिटर्न. क्या होता है रिटर्न? रिटर्न का फॉर्मूला तो अपने को पता ही है. इट इज पी वन माइनस पी जीरो अपॉन पी जीरो, सॉरी, प्लस इनकम अपॉन पी जीरो. बट इस क्वेश्चन में डिविडेंड है ही नहीं. देखो इधर क्वेश्चन में लिखा है पेज नो डिविडेंड्स. सो एट ऑल लेवल्स अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा. एक्स वन वन फाइव अगर अपना प्राइस हो गया तो पी वन 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 फाइव माइनस 120 अपॉन 120. इनकम है ही नहीं तो कितना आ जाता है देखो, फोर पॉइंट वन सेवन नेगेटिव. ध्यान रखना नेगेटिव 4.17%. नेक्स्ट सेकेंड 120, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा. 120 माइनस 120 प्लस जीरो अपॉन 120 जीरो.
थर्ड 125, 125 इसके बाद 130, 125 माइनस 120 डिवाइड बाय 120 ये कितना आता है देखो, 4.17 अगेन दिस टाइम पॉजिटिव. डन. नेक्स्ट 130 माइनस 120 प्लस 0 अपॉन 120 इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 120 8.33%. बाकी दो का प्लीज आप करेंगे थोड़ा हेल्प हमारे को, 15 एंड 20 आ जाएगा. तो 15 बाय 120 12.5 16.67%. डन. अब आगे बढ़ेंगे. That is calculation of expected return, which is summation of x into probability. आ जाओ. तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, x होता है प्रोबेबिलिटी होता है, x into probability होता है उसका summation. माइनस 4.17 जीरो प्लस 4.17 प्लस 8.33 12.5 16.67. प्रोबेबिलिटी 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1. ठीक है. Now, x into probability करेंगे माइनस 4.17 माइनस 0.417. बस ऐसे ही करते जाएंगे अपन, समेशन मिल जाएगा अपने को कितना आ रहा है, समेशन कितना आ रहा है, 7.083%. अच्छा डन 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 डन. Done. Okay. Okay. अब क्या फाइंड करना है आगे देखो. Calculate the standard deviation of returns. ठीक है. So अब अपने को calculate क्या करना है, standard deviation. क्या calculate करना है, standard deviation. सर एक डाउट है, बोलो 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 क्या डाउट है. अब x बार मिल गया, ये अपने को x बार मिला है, ध्यान रखना
अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? रिक्स होता है, रिस्क होता है. कैसे कैलकुलेट होता है वो फॉर्मूला बताओ. विल बी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी इसका पूरे का समेशन. सर हम इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड P1 भी तो निकाल सकते हैं, वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, दिस इंटू दिस, 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 वैसे भी करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डन. ये तो मैं को क्या, मैं क्या बता रहा हूँ, लॉजिकली मैं बता रहा हूँ, पूरा प्रॉपर लॉजिक के साथ बता रहा हूँ. इसके लिए वैसे क्या है, बट अदरवाइज वैसा भी कर सकते हो तुम. हाँ चलो, एक्स माइनस एक्स बार अभी अपने को करना पड़ेगा, बट ऑब्वियस है. चलो एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर निकालते हैं अपन लोग, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर फिर निकालेंगे और उसका टोटल करेंगे. सबसे पहला एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, एक्स आया है मेरा माइनस 4.17 एंड ये माइनस 7.083. सो फर्स्ट माइनस 4.17 माइनस 7.083, बोलो कितना होता है. इट इज 11.253, बट माइनस 11.253. प्रोबेबिलिटी कितना, 0.1. ये आता है 1.1253. नेक्स्ट, कहां पे बोल रहा है तू राज, कहां पे बोल रहा है राज, कहां पे मैं कहां मिस्टेक किया है कुछ तो ये लोग बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. चलो सेकंड पे चलता हूं मैं, तुम लोग बता दो एक बार भाई. फिर नेक्स्ट सेकंड क्या है, जीरो माइनस 7.083, फिर प्रोबेबिलिटी कितना है भाई, 0.1. सो माइनस 7.083 इंटू 0.1, 0.7083. ये भी माइनस, अच्छा बाय द वे इधर अपने को स्क्वायर करना है. यस 11.253 इनटू इक्वल टू, तो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, ध्यान रखना. इंटू पॉइंट वन, तो 12.66. हाँ, इसको वापस से स्क्वायर करना है. यस स्क्वायर करना है, बिल्कुल करना है. 7.083 इंटू इक्वल टू इंटू 0.1, तो 5.017. 5.017. बस ऐसे ही करते जाओ करते जाओ. And finally, we will get the answer. बोलो, sigma square equal to कितना आता है? Yeah, somebody please do it. मुझे अभी तक समझ में नहीं आया तुम लोग क्या बोल रहे थे, बट ठीक है. कहां पे क्या है?
कितना आ रहा है? चलो वो तुम लोग कर देना तो मेरे को पता चल जाएगा मेरा वराइंस कितना आया है। ये तो अभी जो आया है मेरा वो सिग्मा स्क्वायर आया होगा, इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूंगा सिग्मा स्क्वायर का, तो फाइनली मुझे मिल जाएगा मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन दैट इज रिस्क दैट इज इक्वल टू 34.9 आ रहा है ये। ओके सो 34.9 का रूट 5.91। अच्छा डन, सो रिस्क इज 5.91 स्टैंडर्ड डिविएशन रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी मिल गया। ये बराबर तो लिखा है फॉर्मूला, इसको मैंने रूट में डाल दिया है ना, बट तो ये मेरा सिग्मा ही रहेगा भाई, इसको मैंने रूट में डाला है ना, तो रूट में डाला है तो सिग्मा ही रहेगा ना, तो क्यों सिग्मा स्क्वायर हो गया। चल डन, थर्टी फाइव पॉइंट जीरो वन तो नहीं आ रहा है भाई, 34.902 आ रहा है, बट हाँ हो सकता है तेरा राउंडिंग ऑफ डिफरेंस आया होगा, तो चलेगा तो चलेगा तो चलेगा। चलो कहानी को आगे बढ़ाएंगे। एक बार ये आ गया फिर तो इट वॉज अ सिंपल सम, कुड हैव बीन डन वेरी इजीली बाय एनीबडी। अब आ रहे हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 17 लेडीज एंड जेंटलमैन एवरीबॉडी 17। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, शानदार जानदार सम पे आ जाइए। लेट्स स्टार्ट। कितना डिफरेंस अलाउड होता है एग्जाम में? इसी आइडियली तो है ना, आपको एग्जाम में 3 से 4 डेसिमल लेने होते हैं, और वो 3 से 4 डेसिमल के हिसाब से आंसर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलता है फुल मार्क्स। आ जाओ। मिस्टर ए इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट ₹1 लाख, मिस्टर ए इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट ₹1 लाख इन द सिक्योरिटीज मार्केट। ही सिलेक्टेड टू सिक्योरिटीज बी एंड डी फॉर दिस पर्पज, द रिस्क रिटर्न प्रोफाइल इज गिवन बिलो, को रिलेशन को एफिशियंट ऑफ बी एंड डी इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, अपने को बताना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न फ्रॉम द फॉलोइंग पोर्टफोलियोज ऑफ बी एंड डी टू बी कंसिडर्ड फॉर इज इन्वेस्टमेंट। ए 100% इन्वेस्टमेंट इन बी ओनली। तो सुनो, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला उसमें कोई दिमाग की जरूरत नहीं है, हाँ जो बीच वाले वो दोनों मैं करूंगा। आओ पहले लिख लेते हैं चीजों को, आओ पहले लिख लेते हैं चीजों को। क्वेश्चन नंबर 17 सल्यूशन, सिक्योरिटी बी एंड डी, सिक्योरिटी बी एंड डी रिस्क 10 एंड, सो स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 10%, 18% एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%, 20%। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो डन, सो आर ए बी बी आर बी डी भी दिया हुआ है 0.15, आर बी डी बहुत काम की चीज है ये 0.15। चलो अब अपन लोग केस टू केस सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन, मैं देखो मैं केस टू और केस थ्री कर रहा हूं, केस वन और केस फोर होमवर्क है, मैं इधर लिख लेता हूं, केस वन होमवर्क केस फोर होमवर्क। ठीक है चलो मैं भी केस टू पे आ रहा हूं। केस टू क्या बोलता है, 50-50, 50% बी 50% डी, पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू वेट ऑफ बी। अभी देखो मैं फॉर्मूला वापस से नहीं लिखूंगा, अपने को पता है क्या है फॉर्मूला, इनटू रिटर्न ऑफ बी विच इज 12%।
प्लस वापस वेट ऑफ डी इंटू रिटर्न ऑफ डी 20। बोलो कितना आता है फाइनल आंसर? 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2 एम प्लस 0.5 इंटू 0.12 एम प्लस एंड इट विल बी 0.16 इक्वल टू 16 सेकंड। डन। चलो डन 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 16% क्लियर। सेकेंड इसका रिस्क, अभी पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे उतना अच्छा है तुम लोग के लिए, उतना आदत होते जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन इज रूट ऑफ वेट, वेट कितना है 50-50 तो टेंशन ही नहीं है, 0.5 स्क्वायर इनटू दोनों का रिस्क दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 10 एंड 18, सो 10 स्क्वायर 18 स्क्वायर प्लस 2 इनटू कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.15 तो 2 इनटू 0.15 इनटू 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 पॉइंट सॉरी ये दिस इनटू 10 इंटू 18 इंटू 0.5 वेट इंटू 0.5 वेट एंड फाइनली वी विल गेट द स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू, बस ये तो सॉल्विंग पार्ट है खाली। चलो कैलकुलेटर पे डायरेक्टली करेंगे, 0.5 इंटू 10 इंटू इक्वल टू एम प्लस, 0.5 इंटू 18 इंटू इक्वल टू एम प्लस, 2 इंटू 0.15 इंटू 10 इंटू 18 इंटू 0.5 इंटू 0.5 एम प्लस, मेमोरी रिकॉल 119.5 का रूट इज 10.93%। अच्छा एवरीबॉडी क्लियर एवरीवन। चलो थर्ड पार्ट करेंगे, चलो थर्ड पार्ट करेंगे फटाफट। थर्ड पार्ट में क्या है देखो, बी और डी का वेट 75 एंड 25, तो 75% बी में 25% डी में, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू 0.75 इनटू कितना रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% 0.12 प्लस 0.25 इनटू 0.20। गाइस फटाफट आंसर बोल दो यार, कम ऑन यार। चलो मैं वेट करूंगा, फिर पोर्टफोलियो रिस्क भी फॉर्मूला लिख देता हूं, आंसर के लिए वेट करूंगा। 0.75 स्क्वायर 0.12 स्क्वायर 0.25 स्क्वायर 0.20 स्क्वायर 2 इनटू इनटू 0.25 0.12 0.75 0.25। डन। ओ सॉरी 10 और 18 है रिस्क,
देखो ऐसे छोटी छोटी गलतियां इसमें ना बहुत होती है, मेरे से तो बहुत ही होती है। 10 स्क्वायर 18 स्क्वायर, 10 18 करो। चलो ये पब्लिक आ गया 14%। लास्ट रिस्क ये वाला बता दो बस। नाइन पॉइंट थ्री वन बाय गान प्रकाश। डन 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 डन। 9.31 राउंड ऑफ। अब सुनो तुम्हारे को यहां पे मैंने खुफिया बनाया, केस वन और केस फोर देखो लिखा है होमवर्क, तुम लोग को पता नहीं चला, बट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अगर 100% बी में किया तो उसका रिटर्न और रिस्क फाइंड करना है, तो भाई कैन आई से ये केस वन है, कैन आई से ये केस फोर है। अगर पूरा डी में डाला तो रिटर्न 20%, रिस्क 18%, दिया वही तो है और वही तो रहेगा, समझे। और रिस्क लिखते टाइम 10 और 18 क्यों लिखते हैं इंस्टेड ऑफ 0.1 0.8? सो रिस्क इज 10 एंड, अच्छा यहां पे तू बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है ना तू भाई, क्या नाम है, ज्ञान प्रकाश। हाँ क्वेश्चन में ही आंसर है। अच्छा हमें पहले ही पता था, वेरी गुड। बिकॉज द रिस्क इज 10 सो इसके लिए इट विल ऑलवेज बी दैट वे। हाँ, इसके बाद और एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 18, उसके बाद विल एंड अप। अब सुनो रिस्क रिटर्न क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में लास्ट में, विच पोर्टफोलियो इज बेस्ट फॉर हिम फ्रॉम रिस्क एज वेल एज रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू। सो चलो आओ देखते हैं क्या होता है। रिस्क रिटर्न फर्स्ट केस में क्या है रिस्क, सेकेंड केस में क्या है, थर्ड केस में क्या है, फोर्थ केस में क्या है। 14, 9.31, 14, 9.31, 10.93 एंड 16%। चाहिए थर्ड का 10.93 एंड 16, बाकी दोनों तो दिया हुआ है, 10 12 20 18। अब अपने को बताना है कौन सा बेस्ट रिटर्न है एंड लीस्ट रिस्क है। इधर देख के बोलो हाईएस्ट रिटर्न किसका है, केस फोर। लीस्ट रिस्क किसका है, केस थ्री। हो गया सम कंप्लीट। एंड नाउ वी कम टू द गाइस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 18। चलो 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 आ जाओ। चल कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन टू स्टॉक्स ए एंड बी। 2006-07 का रिटर्न दिया हुआ है, ए का 2 साल का, बी का 2 साल का रिटर्न दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो कंटेनिंग ए एंड बी इन पोर्शन ऑफ 40 एंड 60। कर देंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, कोवरियंस, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कंटेनिंग ए एंड बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 40 एंड 60। सो ये जो ऊपर एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसी का बाद में रिस्क निकालने को बोला है, वही वेट के लिए।
अरे वाह अरे वाह अरे वाह, चलो आ जाओ। चलो ए और बी दो है अपने पास यहां पे पोर्टफोलियोस, बेसिकली एक्स और वाई के जैसे। सो अपने पास दो पोर्टफोलियोज है, क्या नाम है उनका, ए एंड बी, स्टॉक ए स्टॉक बी। कब, ईयर वन ईयर टू, पास्ट डेटा 2 ही साल का अवेलेबल है, 10, 16, 12, 18। समा समेशन ए समेशन बी 26, 30 डिवाइड बाय 2, ए बार मिल जाएगा 13, बी बार मिल जाएगा 15। क्या इधर तक किसी को कोई डाउट, होना भी नहीं चाहिए। फिर क्या बोला है, देखो पोर्टफोलियो रिटर्न 40-60% के हिसाब से, तो ये तो इधर का इधर ही आ जाएगा पोर्टफोलियो रिटर्न। तो देखो ना 13% का रिटर्न यहां पे है, 15 का यहां पे है, 0.4 एंड 0.6 का वेट है। सो 0.4 इंटू 0.13, 0.6 इंटू 0.15, बोलो कितना आता है। पॉइंट 142, 14.2%, समझे। गॉट इट गाइस, फर्स्ट पार्ट हो गया इसी के साथ। अब बोलो देखो क्या बोला, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न फ्रॉम ईच ऑफ द टू स्टॉक्स, ईच ऑफ द टू स्टॉक्स का पूछा है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, अब हम चलेंगे सेकेंड पार्ट पे। कितना सिंपल सा समय है, ए ए माइनस ए बार, इधर ही स्क्वायर और इधर ही समेशन, सभी कर देता हूं यार। देखो ना ए कितना है, देखो 10 और 16, 10 माइनस 13 स्क्वायर 9, 16 माइनस 13 स्क्वायर 9, टोटल 18। फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए, ए माइनस ए बार स्क्वायर अपॉन एन, 18 अपॉन 2, 2, 9, इसका रूट। डन, एक आ गया बी का, हाँ होमवर्क ट्राई करना, बहुत सिंपल है, 2 मिनट में आ जाएगा, वैसा ही है, मैं ही कर दूं। चलो आ जाओ, बी दिया हुआ है, बी माइनस बी बार स्क्वायर, बी कितना दिया हुआ है देखो 12, 18, टेन माइनस 15 स्क्वायर 18 माइनस 15 स्क्वायर 25, 9, 34, 34 अपॉन 2, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी भी 3 आ रहा है, तो मैंने क्या मिस्टेक किया। हाँ वाह वाह वाह, इसका 10 ले लिया मैंने, 12 आएगा ना। ओके ओके ओके,
गुस्सा नहीं होते, गुस्सा नहीं होते। सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रही है, क्या किया जाए? प्रैक्टिस और पेशेंस दोनों रखना पड़ेगा। जब दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो टेंशन की बात नहीं है, फिर सही हो जाएगा सर, डोंट वरी। अभी सुनो क्या बोला था, देखो सेकंड पार्ट में स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लिया है, अब बोला है कोवरायंस ऑफ रिटर्न फ्रॉम द स्टॉक्स। सो देखो थर्ड फॉर्मूला है कोवरायंस, किसका? ए बी का। फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। अच्छा एक्स माइनस एक्स बार कितना है? ए माइनस ए बार, ये देखो इधर बी माइनस बी बार स्क्वायर है। चलो करना पड़ेगा अपने को कैलकुलेट। सो ए माइनस ए बार बी माइनस बी बार, ए माइनस ए बार कितना है देखो, 10 माइनस 13 माइनस 3, 16 माइनस 13 प्लस 3। यहां पे 12 माइनस 15 माइनस 3, 18 माइनस 15 प्लस 3, 9, 9 टोटल 18। बस समेशन 18 अपॉन 2 प्लस 9 समेशन 1 2 इक्वल टू प्लस, ठीक है। डन, यस। फिर देखो क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ टू स्टॉक्स। आ जाओ भाई, आर क्या होता है? आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट विच इज इक्वल टू कोवरायंस ए बी अपॉन ए अपॉन बी। कोवरायंस ए बी क्या होता है? 9 प्लस 9 सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी। सिग्मा ए कितना है देखो, 3, सिग्मा बी 3 प्लस 1। सो कोवरायंस ए बी 9, कोरिलेशन कोएफिशिएंट प्लस 1। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, कैन आई से ये जो है ना प्लस वन दिख रहा है ना आपको, दैट शोज दे आर परफेक्टली एग्जैक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। डायरेक्शन किसने दिया? कोवरायंस ने। क्या डायरेक्शन दिया? पॉजिटिव प्लस 9, तो प्लस मेन डायरेक्शन उसने दिया। एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन किसने दिया? कोरिलेशन कोएफिशिएंट ने, विच इज प्लस 1। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड। याद रखना ये इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी प्लस वन टू
माइनस वन, डन। लास्ट में बोला है रिस्क 40-60 का, सो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो बोलो क्या आएगा, 0.4 0.6 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन 3 है, सो दिस विल बी 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, दोनों का वही है 3 3, देखा अपन लोग ने, प्लस 2 कोवेरियंस निकाला अपन लोग ने, प्लस 9, तो 9 इंटू वेट्स 0.4 0.6, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 3%। एक नंबर। अब जो तुम लोग का ये है कि सर इतने सारे जो सम्स है उसमें मिस्टेक्स होने का चांसेस है, नंबर्स है, उसके लिए आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप अच्छा खासा प्रैक्टिस कर सके, ताकि आप अच्छा खासा राइटिंग प्रैक्टिस कर सके। एंड दैट इज दिस होमवर्क, राइट डाउन ऑल फॉर्मूलाज डन सो फार बाय योरसेल्फ। होमवर्क में आ रहा है क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। जी हां सर, आपने डायरेक्ट 3 बताया, डायरेक्ट कैलकुलेट करने की कोई शॉर्टकट ट्रिक भी है क्या? अरे हाँ मेरे भाई, मैं कब से वही तो कर रहा हूं, देख इधर, 0.4 इंटू 3 इंटू इक्वल टू एम प्लस, ये पूरा आ गया तेरा, फिर 0.6 इंटू 3 इंटू इक्वल टू एम प्लस, ये पूरा आ गया तेरा, 2 इंटू 9 इंटू 0.4 इंटू 0.6 एम प्लस, ये पूरा आ गया तेरा, फिर एमआरसी मेमोरी रिकॉल, और जो आया उसको रूट, मेरा फाइनल आंसर आ गया 3। मनीषा का क्वेश्चन है, हाँ होमवर्क क्वेश्चन ये रहा, ये तो अभी मैं वैसे भी अपलोड कर रहा हूं। मनीषा एक मिनट, हाँ तेरा क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन, एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन मतलब कल एक्सप्लेन हुआ जाएगा, कल डिटेल में ये चीज ही एक्सप्लेन करनी है, बट फिर भी बता देता हूं। जैसे ये कैसे है एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन प्लस 1, मतलब अगर इंफोसिस 10 से ऊपर जाएगा ONGC भी 10 से ऊपर जाएगा, इंफोसिस 20 से नीचे जाएगा ONGC भी 20 से नीचे जाएगा। सपोज यहाँ पे होता 0.5, सपोज ये प्लस 1 की जगह होता 0.5, तो इंफोसिस अगर 20 से ऊपर गया तो ONGC कितने से ऊपर जाएगा, अगर 0.5 का कोरिलेशन है तो, समझा? करेक्ट, अगर ये 20 से गया और 0.5 का है तो ये 10 से ही ऊपर जाएगा। खैर कल ये डिटेल में पढ़ना है, सो यू नीड नॉट वरी। चल डन 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 डन। इवनिंग में जब भी सेशन होगा मैं व्हाट्सएप कर दूंगा तुम लोगों को, सो डोंट हैव टू वरी एट ऑल। सो अपन लोग ने पार्ट 1 में क्वेश्चन 10 पढ़ लिया और बतेरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कौन सा पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिटर्न, कोरिलेशन, कोवेरियंस सब। और पार्ट 2 वाज डेडिकेटेड ऑन क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 18। बट आज तो होमवर्क भी काफी मिला है, क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4।
चलो समझियो, हस्ता ला विस्ता, थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग। नोट्स अभी का भी अपलोड कर रहा हूं, आप देख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है आप लोग का राइटिंग थोड़ा बाकी है। सर एमएफ का मैजिक बुक का पीडीएफ प्लीज शेयर कर दो ना, ग्रुप पे कर दूंगा मैं, डन, या तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे कर दूंगा, वहां से तुम लोग कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और मेरा जो कैलकुलेटर ट्रिक्स है उसका भी यूट्यूब वीडियो है, वो भी देख लिया करो टाइम मिले तो, काफी अच्छा रहेगा कैलकुलेशन ट्रिक्स के लिए, लेक्चर में भी बताते रहूंगा, नॉट टू वरी। ओके राज भाई, चलो अस्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय। नोट्स आप लोगों को बता दूं, अपलोड हो चुके हैं, ग्रेट सेशन, सेम यर, ऑल सेशंस विल बी ग्रेट, यार डोंट वरी। यू टू हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं सर, गूगल ड्राइव लिंक नहीं मिला है। अनीशा कॉल 7676876877। यस, अब थोड़ा अपने आप को ब्रेस करते जाओ भाई, तुम लोग भूल ना जाना, तुम एग्जाम ओरिएंटेड बैच में हो, सो थोड़ा तुम लोगों को पिकअप रखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ राइटिंग। खाली ये अगर राइटिंग का थोड़ा टाइम दे दू तो थोड़ा ये हो जाएगा, बट फिर पोर्शन उतना खींचेगा। सो ये अब नोट्स है, गो थ्रू करो, इट विल बी गुड। अब कल जब अपन मिलेंगे, पूरा का पूरा मैं रिवाइज करवाऊंगा, जो भी आज फॉर्मूलास करवाया है, कल फॉर्मूलास करवाया था, एंड देन वी विल मूव ऑन, सो एक अच्छा ग्रिप आ जाएगा तुम लोगों के पास, ठीक है।